सरदार सरोवर दुप्रभावितों को जमीन के साथ पुनर्वास स्थलों में संपूर्ण मूलभूत सुविधाओं के साथ बसाना था, लेकिन ग्राम पिछोड़ी और भादल की 21 विस्थापित परिवारों को मोरगढ़ी तथा खलखुर्द बसावट में प्लाट दिए गए, जो कि दो नालों के बीच में प्लाट दिए, जहाँ पर घर के लिए नींव रखना तो मुश्किल, वहाँ पर खड़े भी नहीं हो सकते, उस प्रकार से गड्ढों में प्लाट दिए गए। प्लाट बताया है, लेकिन जो फोर लेन हाईवे के उस पार है, तो वहाँ मकान बना नहीं सकते अपन, आना जाने में बहुत दिक्कत है ना, इसलिए हमने यहाँ खलखुर्द पुनर्वास में जमीन के आसपास कमरा किराए से रहते थे, और अभी एक महीने पहले कमरा मालिक ने हमको बाहर निकाल दिया, तो हमने अभी खेत के साइड में झोपड़ी बना कर रह रहे अभी। तथा बसावट में जो मूलभूत सुविधा उपलब्ध होनी थी, स्कूल भवन, पंचायत भवन, आंगनवाड़ी तथा नाले की व्यवस्था, नालियां बनना था, संपूर्ण जो मूलभूत सुविधाएं थी वो नहीं है, तथा आज भी वैसे वैसे जर्जर स्थल में सब भवन पड़े हुए। तो वहाँ कैसे क्या है स्थिति इसकी? वहाँ भी मकान बना नहीं सकते, जैसे कि घर प्लाट में नालियाँ है, पानी बहता है, वहाँ घर प्लाट बना नहीं सकते हैं। हम चाहते हैं कि यहीं खलखुर्द पुनर्वास में घर प्लाट दिया जाए, या फिर मोरगढ़ी में जो घर प्लाट है उसको चेंज करके कहीं और दिया जाए। इस वीडियो को देखने वाले सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि आप भी हमारी मदद करें। मनावर के भूअर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी श्री जादम, जिनका मोबाइल नंबर है 9754655029, पर काल कर दबाव बनाए, जिससे कि बसावट में विस्थापितों को प्लाट बदल कर तथा बसावट की संपूर्ण सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।